हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका राइट इशू कल से होने वाला है। जिसकी वजह उसके की फैक्टर्स क्या है, क्या क्या चीज़ें, किस चीज़ में वो कंपनी काम करती है, उसके फंडामेंटल कैसे हैं, उस कंपनी के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। उसके बाद देखते हैं। इसके अलावा मैं आपसे चाहूँगा कि वीडियो में बढ़ने से पहले कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। तो जिस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मिंडा इंडस्ट्री लिमिटेड। आज के दिन में ये लगभग 344 पर ये इसका आज का प्राइस है जो ये शेयर आज ट्रेड कर रहा था। तो मिंडा इंडस्ट्री करती क्या है, इसका राइट इशू क्या है, इससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं कि मिंडा इंडस्ट्री करती क्या है। तो जैसे कि प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए बताता हूँ मैं कि ऑटोमोबाइल्स में ये काम करती है, सिंपल। तो ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है फॉर 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स। तो जैसे ही कार देख रहे हैं, देखिए कार में कितने सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, तो ये सारे के सारे पार्ट्स ये कंपनी बनाती है। और बड़ी बड़ी और जो ये कार बनाती है और ये जो बाइक्स बनाती है, इन कंपनी के साथ इसके टाई अप्स हैं, तो उन्हें डायरेक्ट ये मैन्युफैक्चर करके उन्हें ये सारा का सारा सामान देती है। तो ये कार में या ऑटोमोबाइल्स में और जो इनके बाइक है और 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर में उसमें लगे आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा जो बाहर मार्केट में आप कुछ ख़राब हो जाता है आप जाते हैं, फ्री मार्केट जिसे कहते हैं, तो उधर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए जैसे कि बता मिंडा इंडस्ट्री लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 16 सितंबर 1992 एज अ फ्लैगशिप कंपनी ऑफ मिंडा ग्रुप। मिंडा ग्रुप का पार्ट है। और इनकॉर्पोरेटेड 16 सितंबर 1992 को हुई थी। इसके अलावा द कंपनी इज इंगेज, तो ये कंपनी जो बनाती है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाती है और उसके कंपोनेंट बनाती है जैसे कि स्विचेस, लाइटिंग्स, बैटरीज एंड ब्लो और एटसेट्रा। तो ये ऑटोमोबाइल्स में काम करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और सीधे इनके टाइप इंडिया में ही नहीं, काफ़ी बड़ी बड़ी काफ़ी कंट्रीज में है। और बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ है, लाइक BMW, होंडा, तो उन कंपनीज के पास को जाके ये अपना माल देती है। तो इसके अलावा द कंपनी डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग स्विचेस, जैसे कि बता दिया है कि स्विचेस वगैरह ये बनाती है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, द कंपनी, ये पैराग्राफ पढ़िए, द कंपनी एन्जॉयज मोर देन 70% मार्केट शेयर इन द 2-3 व्हीलर सेगमेंट इन इंडिया। तो मतलब इंडिया में ये जो मार्केट है इसका, ऑटोमोबाइल्स का, लगभग 70% इसने कैप्चर कर रखा है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के केस में। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। तो मतलब समझ सकते हैं कि ये कंपनी किस तरीके से ये काम करती है एंड इज ऑलमोस्ट द टॉप फ्यू ग्लोबली। तो ग्लोबल में भी टॉप पर ये कुछ कंपनीज में आती है। तो पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि हॉर्न्स, कंप्रेशन, नेचुरल गैस एंड लिक्विड, पेट्रोलियम गैस किट्स, बैटरीज, ब्लो मोल्डिंग कंपोनेंट, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, सीट बेल्ट, सीटिंग, सिगार लाइटर, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। तो इसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके राइट इशू की। तो राइट इशू जैसे कि आपको सामने यहाँ पर देख रहे हैं, हम देखते हैं कि राइट इशू है क्या, किस प्राइस पे है, तो ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। कब ये होने वाला है, कब से हम राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस पैराग्राफ के थ्रू बता देता हूँ। तो देखिए द मिंडा इंडस्ट्री राइट्स इशू 10 की थिंग्स टू नो। तो 10 चीज़ें ऐसी है, पर हम 10 चीज़ों पे बात ना करके कुछ चीज़ें बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले देख लेते हैं कि मिंडा हैज़ फिक्स द इशू प्राइस एट 250 पर शेयर। तो सिंपल, 250 रुपीज़, मतलब 250 रुपये का एक शेयर आपको मिल जाए। आज कीमत कितनी है, 344, 344 रुपये है। बट आपको जो ये शेयर मिल जाए, जो आप राइट इशू में अगर अप्लाई करते हैं, तो आपको 250 रुपीज़ पर शेयर पर ये आपको अलॉट हो जाएगा। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 26% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ये आज के हिसाब से है। तो बट आगे मैं और आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर इज सेट टू लॉन्च इट्स राइट इशू। तो फ्लैगशिप कंपनी उनो मिंडा ग्रुप का ये पार्ट है जैसे कि आपको पता है। ये से लीड कौन कर रहा है, तो लीड मैनेजर्स के एक्सिस कैपिटल है और एक्यूरस है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है।
और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो ये दे रखा है, ये साइट पे जाइएगा, वाइल लिंक इंडिया, लिंक इन टाइम इंडिया इज़ द रजिस्ट्रार, तो ये जो साइट आपको दे रखी है लिंक इंडिया, जब मैंने ओपन कर रखी है, तो आप यहाँ पर जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे कि अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप डालेंगे, तो कल से, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है, कल की डेट है पर 25th की, तो कल जैसे कि अभी यहाँ नाम नहीं आ रहा है, तो कल से यहाँ पर नाम आ जाएगा मिंडा इंडस्ट्री का, वहाँ पर क्लिक करके डिटेल्स फिल करके, पैन कार्ड या आपकी DP या क्लाइंट आईडी है जो आपके DMAT की, या एप्लीकेशन नंबर, उसे डाल के एंड पैन नंबर डाल के आप डिटेल्स को फिल करते रहेंगे, आगे जाएंगे पेमेंट करेंगे, तो आपको ये जितने शेयर्स आप लेना चाहते हैं उसके हिसाब से पेमेंट कर दीजिएगा, आपको ये शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। तो देखिए, इशू डेट सिंपल दे रखी है, राइट इशू वो विल ओपन, मतलब कल के दिन 25 तारीख को ये ओपन होगा, और लास्ट डेट होगी इसकी 8 सितंबर। तो आप 25 तारीख से लेके 8 सितंबर तक कभी भी इसे खरीद सकते हो। द राइट इशू विल ओपन ऑन 25 सितंबर एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो लास्ट डेट 8 सितंबर है। ओके, तो सिंपल इस चीज़ को याद रखिएगा, 8 तारीख को लास्ट है और कल से ये शुरू है। तो कितने राइट इक्विटी शेयर्स ये इशू कर रही है ये कंपनी, तो ये लगभग 97,11,739 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स, और फेस वैल्यू उनका कितना रहेगा, 2 रुपीज़ ईच, तो इसके हिसाब से ये यहाँ पर राइट इशू कर रही है। आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आफ्टर द राइट इशू वुड बी ओके, तो ये 27 करोड़ 19,28,704 इक्विटी शेयर्स एज्यूमिंग फुल सब्सक्रिप्शन टू द इशू। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इशू प्राइस एंड टर्म्स एंड पेमेंट, तो आप जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, 250 रुपीज़ का आपको एक शेयर के हिसाब से आप जितना चाहेंगे उतना आपको मिल जाएगा। ओके, आज के हिसाब से देखा है 26.8% का प्रॉफिट आपको दिख रहा है। ओके, और इसका जो इन्वेस्ट आपको पूरी पेमेंट करनी होगी, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो इशू साइज द कंपनी प्लान्स टू रेज अप, तो कंपनी का जो प्लान है वो लगभग 242 करोड़ 79,34,750 रुपीज़ करोड़ रुपीज़ यहाँ पर ये यहाँ से रेस करने वाली है। ओके, और इसके अलावा राइट एंटाइटलमेंट रेशो क्या है, तो वन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर फॉर एवरी 27 इक्विटी शेयर हैल बी एलिजिबल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एज ऑन द रिकॉर्ड डेट विच वॉज अगस्त 17। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये उन्होंने अनाउंस पहले ही कर दिया था, तो 17 अगस्त तक जिसने भी रखा होगा तो उसे 27 शेयर के बदले से शेयर प्लस में एक फुल्ली पेड इक्विटी शेयर उन्हें वो प्रोवाइड कर देगी, इसका सिंपल मतलब ये है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं, विड्रॉयल ऑफ एप्लीकेशन, तो इसमें लिख रखा है इन्वेस्टर वो हैज़ अप्लाइड इन द मे विड्रॉयल देयर एप्लीकेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग इशू पीरियड, तो जो ये पीरियड है बिटवीन 25 to 8 सितंबर, तो किसी भी टाइम आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने कल के डेट में अप्लाई कर दिया और आपको लगता है कि इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, ओके, कुछ घाटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप इसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ऑलरेडी लिखा है एनी टाइम ड्यूरिंग इशू पीरियड, तो ये इशू पीरियड के दौरान ही आपको करना पड़ेगा। तो ये इसका रीज़न क्या है कि क्यों ये कंपनी ऐसा कर रही है, क्यों ये इतना फंड रेज कर रही है, तो इसके पीछे रीज़न कंपनी का किसी भी कंपनी का होता है, या तो वो डेट क्लियर करना चाहती है या कंपनी को इन्हेंस करना चाहती है। तो देखिए, कंपनी विल इशू यूज इशू प्रोसीड फॉर रीपेमेंट ऑफ और प्री पेमेंट ऑफ ऑल और ऑफ अ पोर्शन ऑफ द प्रिंसिपल एंड और इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन बोरिंग, तो मतलब जो उनकी कर्जा है ले रखा है उन्होंने उसको पे करने के लिए कर सकता है, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर ओके इन टोयोडा गोसी मिंडा इंडिया, तो इनके साथ इनका जॉइंट वेंचर भी है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, और इनका कुछ पर्पज़ भी होगा। ओके, सिंपल इसी चीज के लिए ये यहाँ से मार्केट से कैपिटल रेज कर रही है। पार्टिसिपेशन इन इशू एंड प्रमोटर्स, ओके, कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है ये पार्ट्स, तो और फाइनेंशियल देख लीजिए एक बार, तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो इस पर नज़र रखिएगा। तो ये है मिंडा इंडस्ट्री रिपोर्ट्स 45.7% डिक्लाइन इन द फाइनेंशियल ईयर 20 प्रॉफिट एट रुपीज़ 154.9 करोड़ अगेंस्ट रुपीज़ 285 करोड़ इन फाइनेंशियल। तो सिंपल इनका जो प्रॉफिट हुआ था पिछले साल 285 का हुआ था, इस बार हुआ है 258.95 करोड़ का, जो कि 45.7% डिक्लाइन है, मतलब नीचे गया है। तो इनका जो प्रॉफिट
पिछले साल की अपेक्षा इस साल काफ़ी कम हुआ है, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। इसके अलावा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन फुल ईयर फेल, तो इनका जो रिवेन्यू है वो भी गिरा है, तो वो कितना 77.5%, जो कि रुपीज़ में अगर कंपेयर किया जाए तो 5465.16 करोड़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ओके, तो इन जून क्वार्टर 2020 कंपनी पोस्टेड लॉस ऑफ ₹119 करोड़, ओके, अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ 56 करोड़। ओके, तो इन्हें जो जून में जो इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, ओके, 2020 के, तो उन कंपनी ने ₹119 करोड़ का यहाँ पर लॉस दिखाया है अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ 56 करोड़ इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर, जो कि लास्ट ईयर उन्हें ₹56 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, बट इस बार उन्हें 119 का उन्होंने घाटा यहाँ पर शो किया है। एंड रिवेन्यू फेल शार्पली बाई 71% ऑफ 41 करोड़ ईयर ऑन ईयर एमिड कोविड क्राइसिस ग्लोबली। तो ये किस वजह से हो सकता है? इसका सिंपल रीज़न क्राइसिस तो है ही है, कोविड। ओके, और पिछले 1-2 साल से जैसे कि आपको पता ही है ऑटो सेक्टर काफ़ी प्रेशर में देखे गए हैं। ओके, दिस इज़ द मेन रीज़न कि इनका जो ये परफॉर्मेंस है काफ़ी घटता हुआ नज़र आ रहा है, बट हमेशा ही ऐसा रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट करते हुए बताया है कि ये देखिए ये पार्ट, द कंपनी एंजॉय मोर देन 70% मार्केट शेयर इन 2 और 3 व्हीलर सेगमेंट इन इंडिया। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिए, 70% मार्केट कैप्चर कर रखा है 2 से 3 व्हीलर्स कंपोनेंट जो इसमें यूज किए देता है, और बड़े बड़े इसके इस कंपनी से बड़ी बड़ी कंपनीज ये प्रोडक्ट्स लेती भी है। तो जैसे कि हम इसका फंडामेंटल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो मिंडा इंडस्ट्रीज ₹344 पे आज ट्रेड कर रहा है। ओके, और ये जो हमें मिल रहा है ये किस पे मिल रहा है, ₹250 पे। तो देखिए 26% का आज के हिसाब से प्रॉफिट है, बट 8 तारीख तक क्या रेट रहेगा? ओके, तो हमें लेना चाहिए अभी, देख नहीं लेना चाहिए, इट इज़ अप टू यू, बट 8 तारीख तक ये लिस्ट होगा। और ये हमें मिलेगा कब? ये लगभग लगभग हमें 18 और 20 तारीख के लगभग, 18 और 20 सितंबर, लगभग लगभग अभी 1 महीना है, 20 दिन है अभी लगभग, तो इस दौरान हमें ये शेयर्स मिलेंगे। तो अगर ये शेयर्स हम उस दौरान कुछ मार्केट में क्राइसिस हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कोविड हमारा चल ही रहा है, डेली वाइज उसका रेशो भी बढ़ रहा है, तो अगर ऐसा कुछ होता है, ओके, और इसका प्राइस घट जाता है, ये ₹200 पे आपको मिलता है, ओके, जिस दिन आपको 250 आपने पे किए, ओके, और 200 रुपीज़ का ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब जब इशू हुआ, ये शेयर गिर गया किसी रीजन से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट है, ओके, तो आपको सीधे लॉस आपको दिखाई देगा, ओके, बट अभी आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, नो डाउट, बट कंपनी अच्छी है, ओके, आज नहीं तो कल ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी करेगी। 5 डेज का पैटर्न देख लीजिए, ग्रीन में दिखाई दे रहा, 1 मंथ में देख लीजिए, 6 मंथ में देख लीजिए, ये 374 पे चलता था कोविड में, 200 रुपये के आसपास मिला, और आज 344 रुपये मैक्सिमम देख लीजिए। तो मैक्सिमम ये शेयर 2007 में ₹12 में मिलता था, और इसी रेंज में ये अब भी स्ट्रगल कर रहा है, जैसे कि बताया था कि ये पिछले 2-3 साल से काफ़ी ऑटोमोबाइल्स चल नहीं रहे हैं, तो जिस वजह से ये इसी रेंज में ये आपको दिखिए दिख रहा है। इसके अलावा इसके रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, तो 10 साल के रिटर्न्स देख लीजिए, 1319% के रिटर्न आपको दिख रहे हैं। 1 डे का रिटर्न पॉजिटिव, 1 वीक का, 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, 1 ईयर का, 3 मंथ्स का, बट ऑलवेज हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। आप लॉन्ग टर्म जितना रहेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और आपने कंपनी अच्छी चूज कर रखी है, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो 10 साल में रिटर्न देख लीजिए, 1319% के यहाँ पर रिटर्न आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स हो शेयर्स प्रोमोटर्स के पास है, कितने, 70.79%। ओके, फॉरेन इन्वेस्टर ने घटाई है अपनी हिस्सेदारी 0.65% से, तो अभी 10.26 है। म्यूचुअल फंड ने बढ़ाई है, तो 7.28% की हिस्सेदारी रखते हैं। इंश्योरेंस कंपनी की 0.18 है, जो डोमेस्टिक अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर 0.01 है, और नॉन इंस्टीट्यूशन 11.48 है। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, 52 वीक लो 206 रुपये का ये मार्च में 19 में मिल रहा था, और 27 जैन को 425 रुपये का ये शेयर हुआ करता था। पी रेशो की बात कर ली जाए, तो पी रेशो सेक्टर का 141 है, बट इसका पी रेशो 2 21 से 5 है, तो पी रेशो इसका काफ़ी ज़्यादा है। ओके, बट को पी रेशो इतना मायने नहीं रखता अगर आप शेयर अच्छा लेते हैं, क्योंकि पी रेशो अच्छे शेयर का हमेशा बड़ा ही रहता है।
आज के टाइम में डिलीवरीज 25% के लगभग उठाई गई है। कंपनी इंफॉर्मेशन में शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने ऑलरेडी बता दिया, 70.279 और 29.22 पब्लिक के पास है। राइट इशू जैसे कि बताया गया है कि 14 अगस्त को 1:27 का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था किस हिसाब से। डिविडेंड आपको हमेशा देती है, 2019 में दो बार डिविडेंड दिया 45 पैसे और 65 पैसे का, 2020 में 40 पैसे का। ओके, बट डिविडेंड देती है, डिविडेंड कोई मैटर नहीं करता। अगर आप अच्छी कंपनी में शेयर प्राइस बढ़ता है तो आपको डिविडेंड की ज़रूरत भी नहीं होती, बट इट इज़ ये आपको अलग से एक बस दे देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर होल्ड प्लेज नहीं कर रखे, कोई भी शेयर कर्ज में नहीं है, 70% के 70% प्रमोटर्स के पास ही है। इसके अलावा इसके बैलेंस शीट की बात की जाए तो देख लीजिए, रिजर्व्स कंटिन्यूसली इनके बढ़ते जा रहे हैं। पहले 419, फिर 512, फिर 952, फिर 1045 और 1262 अभी करोड़ के रिजर्व्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। डेट तो ये इशू जैसे कि इसने बताया कि कर्ज दे कर्ज के लिए भी एक अपने राइट इशू लाया है क्योंकि इनके पास कर्ज ज़्यादा है। देखिए कर्ज कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, पहले लगभग 100 थे, फिर 170, फिर 80, फिर 364 और अभी लगभग 600 करोड़ रुपीज़ के इनके पास कर्ज है इस कंपनी के पास। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात कर ली जाए तो पहले 16 करोड़ का था, फिर 318, फिर 14 करोड़, फिर 22 करोड़ और अभी लगभग 137 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स इस कंपनी के पास, कैश एंड बैंक बैलेंस सॉरी इस कंपनी के पास है। तो थोड़ा बैलेंस शीट की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा सेक्टर की बात भी किए देखिएगा तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ओके, जिसमें आपको यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे इस शीट में, ओके। तो आप उस चीज़ को देखते हुए इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। और फर्स्ट डे में इन्वेस्ट करने की ना ही सोचो तो अच्छा है, क्योंकि 8 तारीख लास्ट डेट है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप कभी भी इसे ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है 8 सितंबर लास्ट डेट है, तो आप थोड़ा देख लीजिए किस तरीके का परफॉर्मेंस आ रहा है, किस तरीके से पब्लिक रिव्यू आ रहा है, ओके। आपको न्यूज़ में मिलता रहेगा और जैसे ही आपको लगे तो आप अपने हिसाब से आप उतनी क्वांटिटी आप इसमें ले सकते हैं। तो शेयर तो काफ़ी अच्छा है, पार्ट्स किस कंपनी में काम करता है, 70% मार्केट भी कैप्चर कर रखी है, तो एवरीथिंग इज़ ओके। तो आप एक बार सोच सकते हैं, वॉच लिस्ट में रह सकते हैं और डेली इसे आप रिव्यू कर सकते हैं, डेली इसे वॉच कर सकते हैं इस कंपनी को। इसके अलावा आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा और पूछ के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी प्रॉफिट डेफिनेटली दिखाई दे रहा है 26% का, आगे क्या होगा, ओके, क्योंकि लगभग 15 से 20 दिन है तो कुछ भी हो सकता है, तो आप थोड़ा उसे भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ओके। और एज़ वेल एज़ हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए इस हमारे चैनल को, ताकि हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहें, ओके। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।